सादर बोले सकल बराती विष्णु विरंचि देव सब जाति विविध पाति बैठी जीव नारा लागे परुसन निपुन सुवारा नारी वृंद सुर जे मत जानी लगी देन मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की ज्योनार हुई यानी रसोई बनी। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो वहाँ की ज्योनार यानी भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को यानी विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। भोजन करने वालों की बहुत सी पंगतें बैठी।
चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। सब सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में भी बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवा कर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहां ठहरे थे वहां चले गए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन यानी लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठे। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कभी कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं की जा सकती। जग जननी पार्वती जी का महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी नहीं किए बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं। तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहाँ गई। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वही रसपान कर रहा था। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका ना करे कि गणेश जी तो शिव जी और पार्वती जी की संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहां से आ गए। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।